सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, फेस्टिवल शुरू हो गए हैं और मैं आज आपको कलश बनाना सिखाऊंगी। जो जो मटेरियल आपको चाहिए वो देखिए मैंने आपको शो कर दिए हैं, और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप स्टेप वाइज इसको ड्रॉ करेंगे, फिर कलर करेंगे। फेस्टिवल्स हो और हम कलश ना बनाए ये इम्पॉसिबल है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने जा रही हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट अब एफिलिएटेड हो गया है सुर भारती संगीत कला केंद्र के थ्रू। अब मेरे द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट की वैल्यू हर स्कूल और कॉलेज में होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो गया है इंस्टीट्यूट। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि सर्टिफिकेट के साथ साथ आप लोग को ट्रॉफीज, मेडल और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। लोअर स्टेज 5 ईयर्स है, लेकिन इसके बाद कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। आप लोग का एग्जाम होता है एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से, और आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपको सिलेबस दिया जाता है और रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जिस दिन आपका एग्जाम होता है आप एग्जाम दोगे और उनके बेसिस पे आपको ग्रेड्स मिलते हैं। देखिए जानकारी के साथ साथ हमने कितना ड्रॉ भी कर लिया है और अब कलर भी शुरू कर दिया है। मैंने ड्यूल स्केच पेन यूज़ किए हैं, इसमें पेन भी है और स्केच पेन भी है, और इसी के साथ हम ब्रश का भी यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में। जब भी आप कलर करिए बड़े ध्यान से करिए। ये देखिए मैं कैसे स्केच पेन को मूव करती हूँ, आप इसका ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि शेडिंग्स का आपकी पेंटिंग में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपकी शेडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके कलर्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे और उनका इफ़ेक्ट भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो कलर आप बनाओगे वो शेड्स अच्छे प्रॉपर तरह से नहीं बन पाएंगे। आप ध्यान दीजिए, जो मैं कलर्स पर डिज़ाइन बना रही हूँ वो एक पैटर्न है, और पैटर्न मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, इसलिए अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो पहले आप एक रफ पेज पे इन पैटर्न की प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर ड्रॉ करिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे तो हो सकता है आपका डिज़ाइन अच्छा ना बने, क्योंकि मैं सिंपल ही डिज़ाइन आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करना आसान होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक भी दे दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम और एफर्ट लगते हैं। ये मेरी क्लास चल रही थी और स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं इसको वीडियो ही क्यों ना बना लूं, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सके। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।